कुछ उपाय नोट कीजिए, प्रभु ने चाहा तो सब ठीक होगा, सब ठीक होता है। परेशानियों की समझ, मैं इसीलिए आपसे बार बार निवेदन कहता हूं कि कुछ समय ज्ञान के लिए जरूर निकालिए रोज। चमत्कारों की आस में व्रत बैठे रहिए, ज्ञान हासिल कीजिए, प्रभु से रोज इतना नमस्कार कीजिए, उपाय कीजिए कि प्रभु चमत्कार कर दें। ठीक, नोट कीजिए उपाय। उगते हुए सूर्य के सामने बैठिए, यदि आपके अंदर वो सारे लक्षण हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुरु ज्ञान में बताए हैं, तो उगते हुए सूर्य के सामने बैठें, डूबते हुए सूर्य के सामने भी बैठें। कितनी भी गर्मी क्यों ना लगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश में थोड़ा सा पसीना अवश्य बहाए, ये जरूर से ज़्यादा एयर कंडीशन में रह रहे हैं हम लोग, इससे विटामिन डी की डिफिशेंसी होती है। गुड़ और शहद का सेवन अवश्य करें, बेल का सेवन करें, फल तथा सब्जियां अधिक खाएं और वो भी बहुत ज्यादा ऑयली ना हो जाएं। सोयाबीन का सेवन करें, अंगूर खाएं, संतरा, गाजर और कद्दू का सेवन करें, अलसी का सेवन करें। अलसी पर मैंने तो पूरा एपिसोड करके आपको बताया था ना, याद होगा अलसी का सेवन कैसे करना है, वो करें। और अखरोट का सेवन अवश्य करें, साथ ही साथ हल्दी का सेवन किसी ना किसी रूप में अवश्य करें। अरे देखिए, यहाँ के ऋषि मुनियों तो हमें और इवन आज भी हैं ऐसे बहुत सारे विद्वान, उन्होंने हमारे किचन में टेस्ट के साथ साथ औषधियाँ भी दे दी हमें, जिन्हें हम कहते हैं मसाला, औषधियाँ ही तो है ये सब। सुबह जब धूप में बैठें तो सनस्क्रीन ना लगाएं। बहुत से लोग हर वक्त कोई क्रीम लगाते रहते हैं सूर्य के सामने बैठकर, और क्यों लगाते हैं, जिससे उनका गोरापन ना जाए। जब विटामिन डी की कमी होगी ना, तो बुढ़ापा इतना टपकेगा कि कोई क्रीम व्रीम काम नहीं करेगी। बैठिए सूर्य के सामने जाकर, कुछ नहीं होता। हाँ, तेज धूप में आप निकल रहे हैं तो समझ में आता है, सुबह शाम तो सूर्य को बिना मेकअप वाला चेहरा दिखाया कीजिए। विटामिन सी का सेवन जरूर करें, दूध और शहद का सेवन जरूर करें, और दूध को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, पता है ना। मैदा और बासी भोजन बिल्कुल नहीं। अब यहां मैं क्लास लेता हूं आपकी। सुबह बना दिया, फ्रिज में रखा है, रात तक चल रहा है, ये तो आम बात हो गई। दुकानों में जाकर ऐसे ऐसे मुंह खोल कर कुछ खाते हैं हम लोग, वो कब का रखा हुआ हो पता नहीं होता, उसका कौन सा कंपोनेंट मैदा का है और कब की रखी हुई मैदा का बना हुआ है पता नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत होता है।